हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ उड़द दाल के लड्डू, जिसे साउथ इंडियंस बोलते हैं सुन्नी उंडा। सुन्नुंडा तो हम तेलुगु में से सुन्नुंडा बोलते हैं। और इसके लिए मैंने लिया एक पैन गरम किया और उसमें डाला है 1 कप उड़द दाल, होल उड़द दाल है वाइट वाली, और उसके बाद 1/2 कप डाला है। और इसको अच्छे से ब्राउन कर लेना है जब तक पूरा ब्राउन ना हो जाए। और जब अच्छे से ब्राउन हो जाते हैं उड़द दाल, तो इसमें से एक अच्छी खुशबू आने लगती है। और अगर ये अच्छे से फ्राई ना हो उड़द दाल, तो इसके लड्डू बड़े चिपचिपे बनते हैं। वैसे साउथ इंडियंस में तो बहुत ही फेमस है ये लड्डू और बहुत ही हेल्दी है। तो मैं अपनी दिवाली की तैयारी के लिए ये लड्डू बना रही हूँ। ये देखिए कलर चेंज हो रहा है इसका, और इसको मीडियम आंच में ही फ्राई करना है। अगर हाई करेंगे तो ये जल्दी काले पड़ने लगेंगे, जलने लगेंगे, और स्लो में बहुत टाइम लेते हैं। तो मीडियम आंच में रख के इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कलर इसका, और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब गैस ऑफ करने के बाद इसमें हम पाउडर बनाएंगे। बस अब उसी पैन में एक मुट्ठी चावल लेंगे और इसे भी अच्छा ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। और चावल डालने का रीज़न ये है कि अगर खाली उड़द दाल का लड्डू बनाया जाए, तो उसमें एक चिपचिपापन सा आता है, वो अच्छा टेस्ट नहीं करेगा। अगर चावल डालेंगे तो उसमें एक अच्छा टेक्सचर आएगा और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर 1.5 कप के लिए एक मुट्ठी चावल डाल रहे हैं, अगर आप ज़्यादा भी बनाते हैं, उसमें 2 या 3 मुट्ठी चावल की क्वांटिटी बहुत कम रहेगी। इसको अच्छे से रोस्ट करने के बाद हम उड़द दाल और चावल, ठंडा होने के बाद चावल और जो फूटा चना होता है, चना दाल का फ्राई किया हुआ, ये तीनों चीज़ों को मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे और इसका बहुत अच्छा पाउडर बनाएंगे। तो ये हमारे चावल को फ्राई होने में थोड़ा समय लगेगा। चावल को भी मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पे कोई चीज़ें नहीं करनी है। मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छी सिक जाती हैं चीज़ें, और हाई में तो जलने का डर रहता ही है। ये देखिए चावल भी रोस्ट होने लगा है, और चावल ऑलमोस्ट रेडी है। और कोई भी इन सारी चीज़ों को गरम गरम मिक्सर में नहीं डालना है, थोड़ा ठंडा होने के बाद ग्राइंड करना है। ये देखिए चावल हो गया ब्राउन। अब ठंडा होने के बाद एक मिक्सर जार में हमने लिया है चावल और जो फ्राई किया हुआ उड़द दाल। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप, एक ही कप डालेंगे, 1 कप फूटा चना, इसको फूटा चना कहते हैं, मैं फूटा चना बोलती हूँ, बाकी भाषाओं में मुझे नहीं पता। तो बस ये तीनों चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करना है, और ज़्यादा बारीक ग्राइंड नहीं करना है, और ज़्यादा दरदरा भी नहीं। जो पतली बारीक वाली सूजी आती है ना, बस उसी टेक्सचर में रहेगा। ये देखिए ज़्यादा फाइन नहीं है, ये हल्का दरदरा है, और खाने में तो बहुत टेस्टी होती है लड्डू। उसके बाद इसे हम पैन में डालेंगे अगेन, और इसमें मिलाएंगे हम 1 कप गुड़। और 1 कप गुड़ को मैंने किस लिया है, अगर किसी जिसे भी ज़्यादा मीठा पसंद है तो वो और भी ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 कप और डाल सकते हैं, आराम से बन जाते हैं लड्डू। पर मैं 1 कप ले रही हूँ, 1 कप इनफ है इन लड्डुओं के लिए, और जितना मेरा मिश्रण है उसके लिए। तो इसके अंदर गुड़ मिला के, थोड़े थोड़े मोटे हैं गुड़, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि वो इवनली मिक्स हो जाए, और फिर लड्डू बांधने में मीठापन सारी जगह पे आए। और ये 1/2 कप है करीब घी है, और घी को हमने गर्म कर लिया है, और गर्म घी से ही इसे लड्डू बांधेंगे अच्छे से मिक्स करके। इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है, कम घी में भी बन जाते हैं। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे,
थोड़ा गर्म है तो मिलाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, ठंडा भी मिला सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद और इसके लड्डू बांधने स्टार्ट करेंगे। ये लड्डू बनाने में बहुत इजी है और खाने में बहुत हेल्दी है, तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। ये देखिए अच्छे से मैश हो गया है, अब इसके लड्डू बांधेंगे और लड्डू इजीली बंध जाते हैं। विंटर्स में तरह तरह के लड्डू बना के हमें कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत हीट की ज़रूरत होती है विंटर्स में, और हेल्दी भी होता है बहुत। देखिए इजीली बन गया ये लड्डू, इसमें आप चाहे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, पर ट्रेडिशनली ऐसे ही बनता है लड्डू, तो मैंने ऐसे ही बनाया है। ये देखिए मेरा एक लड्डू रेडी हो गया है, बस इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे और एंजॉय करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक भी कीजिएगा, और लड्डू बना के ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नई मीठी दिवाली मतलब स्वीट्स, तो एक नई मीठी मीठी रेसिपी के साथ मैं आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।